खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना इकौना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत जयचंदपुर कटघरा से है, जहां गुरुवार को चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्षों में खूब घमासान हुआ, कुछ देर तक मारपीट होती रही। वहीं एक पक्ष ने असलहे से फायरिंग की घटना को अंजाम दे डाला, जिससे दूसरे पक्ष के भाई संजय की मृत्यु हो गई थी तथा सुखदेव, विमला देवी, राजन तथा अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक पक्ष घटना के बाद मौके से फरार हो गया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी इकौना भेजा था। मृतक पक्ष के सुनील कुमार पुत्र राकेश तिवारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती प्राची सिंह के दिशा निर्देश पर संबंधित थाने की पुलिस टीम के द्वारा शिव कुमार पुत्र स्वर्गीय राम नरेश, आलोक कुमार पुत्र शिव कुमार, अशोक कुमार पुत्र स्वर्गीय राम नरेश, अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय राम नरेश, भागीरथ पुत्र राम धीरज निवासी गण ग्राम जयचंदपुर कटघरा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती को शुक्रवार को अवधूत नगर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना इकौना अंतर्गत जयचंद कटघरा नाम का गांव है, जहां पे आज शाम को 5:45 के लगभग दो गुटों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट हुई और उसके बाद एक गुट ने दूसरे गुट के ऊपर फायरिंग की। जिन लोगों को गोली लगी है वो कुल 5 लोग थे, जिनके नाम है सुखदेव तिवारी, संजय तिवारी, विमला देवी, राजन और अभिषेक तिवारी। इसमें से संजय तिवारी जी की हॉस्पिटल में डेथ हो गई है, बाकी 4 लोगों का इलाज सीएचसी में चल रहा है। कुल 5 लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है, आला कतल भी बरामद कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है, विधिक कार्रवाई की जा रही है।